आज हम लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ में सिलियरी लोकोमोशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने फ्लैजिलर लोकोमोशन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने यूग्लेना के एग्जांपल को स्टडी किया था। आज हम लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ में सिलियरी लोकोमोशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिलियरी लोकोमोशन स्टडी करने के लिए हम पैरामेशियम का एग्जाम्पल लेंगे। पैरामेशियम की अगर बात करें तो पैरामेशियम की बॉडी की स्ट्रक्चर हम देखें तो इसके भी दो एंड है, एंटीरियर एंड एंड पोस्टीरियर एंड। एंटीरियर एंड ब्लंट है यानी चौड़ा है और पोस्टीरियर एंड पॉइंटेड है यानी सकड़ा है एंटीरियर के कंपैरिजन में। सीलिया की बात करें तो सीलिया नंबर में बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं और पैरामेशियम की होल बॉडी को कवर करके रखते हैं। सीलिया एंटीरियर एंड पे भी प्रेजेंट है और पोस्टीरियर एंड पे भी, यानी कि होल बॉडी को कवर करके रखा है पैरामेशियम की। अगर बात करें एंटीरियर एंड की तो एंटीरियर एंड पे जो सीलिया प्रेजेंट है वो सीलिया सेम साइज के होते हैं और शॉर्ट होते हैं। एंटीरियर एंड पे सीलिया सेम साइज एट एंटीरियर एंड। लेकिन पोस्टीरियर एंड की सीलिया की बात करें तो इसे हम कॉडल टफ्ट भी कह सकते हैं और ये लॉन्ग होते हैं एज कंपेयर टू एंटीरियर एंड। एंटीरियर एंड के सीलिया से पोस्टीरियर एंड के सीलिया लॉन्ग होते हैं, पोस्टीरियर एंड पॉइंटेड होता है, एंटीरियर एंड ब्लंट होता है। नेक्स्ट फीचर हम बात करें तो इसके बॉडी की जो आउटर कवरिंग है बाहर वाली, इसे हम कहते हैं पेलिकल, और इसी पेलिकल की वजह से पैरामेशियम को एक डेफिनेटिव स्ट्रक्चर मिलता है। पैरामेशियम प्रोवाइड्स अ डेफिनेटिव स्ट्रक्चर टू द पैरामेशियम। नेक्स्ट है ट्राइकोसिस्ट, ये रेड कलर की पेलिकल के अंदर ट्राइकोसिस्ट बना रखी है। इसी ट्राइकोसिस्ट की वजह से पैरामेशियम डिफेंसिव एक्टिविटी शो करता है। पैरामेशियम को डिफेंसिव एक्टिविटी शो करने के लिए ट्राइकोसिस्ट रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट बात करें तो बाहर की तरफ यहाँ कोने में जो डिस्ट्रीब्यूटेड है साइड में, उसे हम कहते हैं एक्टोप्लाज्म। ये क्लियर जोन है या फिर हम इसे कहते हैं आउटसाइड कॉर्टेक्स। अंदर की तरफ प्रेजेंट है एंडोप्लाज्म, जिनके अंदर बहुत सारी वेरियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जैसे कि न्यूक्लियस। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पे ओरल ग्रूव प्रेजेंट है एंडोप्लाज्म के अंदर। अब हम देखें तो यहाँ पे ओरल ग्रूव प्रेजेंट है और ये ओरल ग्रूव पैरामेशियम के वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है। पैरामेशियम, मान लो ये पैरामेशियम है तो ये पैरामेशियम का वेंट्रल साइड और पीछे ये पैरामेशियम का डोर्सल साइड। तो ये जो ओरल ग्रूव है ये पैरामेशियम के वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है, या फिर हम इसे ओरल सरफेस भी कह सकते हैं। ओरल यानी फ्रंट, फ्रंट सरफेस पे ये प्रेजेंट होता है। ओरल ग्रूव के नीचे जब हम आएंगे तो यहाँ पे प्रेजेंट है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल फर्दर आगे खुल रहा है साइटोसोम में, साइटोसोम से आगे ये फेरिंग जैसी स्ट्रक्चर है साइटो फेरिंग्स। फिर हम देखें तो एक यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं साइटोफाइज। ये मैंने यहाँ पे पोस्टीरियर वेंट्रल एंड पे ही बनाया है, ये पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट है और ये डोर्सली प्रेजेंट रहता है। डोर्सल प्रेजेंट, ये फ्रंटल था जहाँ पे ओरल ग्रूव प्रेजेंट था और डोर्सल साइड में प्रेजेंट है साइटोफाइज, यानी पैरामेशियम के पीछे की तरफ प्रेजेंट है साइटोफाइज। और जो क्या करता है, अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकालने का वर्क करता है साइटोफाइज। अब इधर नेक्स्ट देखें तो ये राउंड ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पे, इसे हम कहते हैं फूड वैक्यूल्स। और फूड वैक्यूल्स क्या करते हैं, स्ट्रीमिंग मूवमेंट ड्यू टू साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के कारण, यहाँ पे साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, इसके कारण फूड वैक्यूल स्ट्रीमिंग मूवमेंट करते हैं और पूरे पैरामेशियम में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। पैरामेशियम में दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है, एक स्मॉल और एक लार्ज। स्मॉल है एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो एंटीरियर साइड में प्रेजेंट है, और जो लार्ज है वो पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट है यानी पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और ये पोस्टीरियर एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑस्मोरेगुलेशन की रेट को इंक्रीज करता है पैरामेशियम में। अब अगर न्यूक्लियस की बात करें तो पैरामेशियम में एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है, एक लार्ज न्यूक्लियस और एक स्मॉल न्यूक्लियस। लार्ज न्यूक्लियस बीन शेप का होता है और स्मॉल न्यूक्लियस राउंड शेप का। पैरामेशियम सीलिया की वजह से लोकोमोशन कर रहा था, मूवमेंट थ्रू सीलिया। सीलिया ने पूरी बॉडी को कवर करके रखा था एंटीरियर साइड से भी और पोस्टीरियर साइड से भी। 10,000 से 14,000 अप्रोक्स प्रेजेंट है एंड कवर्स द होल बॉडी। और स्ट्रीमलाइन होने के कारण और स्पिंडल शेप की बॉडी होने के कारण कम से कम फ्रिक्शन महसूस होता है पैरामेशियम को लोकोमोशन के टाइम।
पैरामेशियम सिलियरी लोकोमोशन टू टाइप से करता है, फर्स्ट है सिलियरी बीट, सेकंड है मेटाबोली या फिर हम कह सकते हैं बॉडी कॉन्ट्रैक्शन, बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करके लोकोमोशन करना। तो सबसे पहले हम अगर सिलियरी बीट्स की बात करें तो सिलियरी बीट में सीलियम ऑसिलेट्स लाइक ए पेंडुलम, जो सीलिया है वो ऑसिलेट करता है पेंडुलम की तरह, जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है ऐसे सीलियम ऑसिलेट्स लाइक ए पेंडुलम। और हर ऑसिलेशन में, हर एक ऑसिलेशन में दो स्ट्रोक होती है, एक इफेक्टिव स्ट्रोक और एक रिकवरी स्ट्रोक। इफेक्टिव स्ट्रोक फास्ट होता है इसलिए हम इसे कहते हैं फास्ट इफेक्टिव स्ट्रोक, और रिकवरी स्ट्रोक स्लो होता है इसलिए हम कहते हैं स्लो रिकवरी स्ट्रोक। सबसे पहले अब अगर फास्ट इफेक्टिव स्ट्रोक की बात करें तो फास्ट इफेक्टिव स्ट्रोक के अंदर सीलियम स्लाइटली कर्व, सबसे पहले सीलिया स्लाइटली कर्व हो जाते हैं, स्लाइटली यानी बिल्कुल थोड़ा सा सीलियम स्लाइटली कर्व होते हैं फर्स्ट स्ट्रोक, एंड ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक द सीलिया प्रेजेंट ऑन द बॉडी वर्क्स फास्टली। ये फर्स्ट स्ट्रोक है और इस टाइम पे जो सीलिया है इस स्ट्रोक के टाइम पे फास्ट मूव करेगा, इसीलिए इसे हम फास्ट इफेक्टिव स्ट्रोक बोल रहे थे। सबसे पहले क्या होगा, सीलिया स्लाइटली कर्व करेगा, फर्स्ट स्ट्रोक है और सीलिया कर्व करके फास्ट वर्क करेंगे। सेकेंड, सीलिया स्लाइटली कर्व एंड स्ट्राइक्स द वॉटर लाइक एन ओर, सीलिया जब कर्व होंगे तो वाटर को स्ट्राइक करेंगे एक ओर की तरह, जैसे ओर हम कह सकते हैं पतवार, जैसे नाव का पतवार होता है, जब हम नाव चलाते हैं तो उस पतवार से हम वाटर को बैकवर्ड स्ट्राइक करते हैं और जैसे नाव आगे जाती है ऐसे पैरामेशियम सीलिया को कर्व करते हैं, वाटर को बैकवर्ड स्ट्राइक करते हैं और पैरामेशियम की बॉडी आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोपेल होती है, यानी सीलिया स्लाइटली कर्व होते हैं, स्ट्राइक्स द वाटर, वाटर को स्ट्राइक करते हैं पीछे की तरफ बैकवर्ड धकेलते हैं लाइक एन ओर, ओर की तरह, और बॉडी फॉरवर्ड आगे प्रोपेल करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सो द बॉडी प्रोपेल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन अपोजिट ऑफ द स्ट्रोक, स्ट्रोक के अपोजिट डायरेक्शन में, स्ट्रोक इधर लग रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में यानी फॉरवर्ड बॉडी मूव करेगी। सेकेंड है रिकवरी स्ट्रोक, रिकवरी स्ट्रोक स्टार्ट्स जस्ट आफ्टर इफेक्टिव स्ट्रोक, जैसे ही इफेक्टिव स्ट्रोक कंप्लीट होता है रिकवरी स्ट्रोक स्टार्ट होता है, ये स्लो होता है इसलिए हम इसे कहते हैं स्लो रिकवरी स्ट्रोक। इसमें क्या होता है, ब्रिंग सीलियम अगेन इनटू ओरिजिनल पोजीशन फॉर द नेक्स्ट इफेक्टिव स्ट्रोक, जो सीलिया स्लाइटली ब्लेंड हुए थे उसे दोबारा से अगेन ओरिजिनल पोजीशन में ले आता है नेक्स्ट इफेक्टिव स्ट्रोक के लिए, जो सीलिया बेंट हुए थे उसे ओरिजिनल पोजीशन में ले आता है दोबारा से नेक्स्ट इफेक्टिव स्ट्रोक, यानी फिर से बैकवर्ड मूव करने के लिए, वाटर को स्ट्राइक करने के लिए और बॉडी को फॉरवर्ड डायरेक्शन देने के लिए, वापस से इफेक्टिव स्ट्रोक स्टार्ट करने के लिए। क्या है रिकवरी स्ट्रोक, इफेक्टिव स्ट्रोक के जस्ट बाद शुरू होता है, सीलिया को दोबारा से उसके ओरिजिनल पोजीशन पे ले आता है ताकि इफेक्टिव स्ट्रोक वापस से शुरू हो सके। अब अगर इस डायग्राम में हम देखें तो ये इफेक्टिव स्ट्रोक है, ये रिकवरी स्ट्रोक है। इफेक्टिव स्ट्रोक की बात करें तो 1, 2, 3, 4 ये 5 रो मैंने बनाई है यहाँ से, और दोबारा रिकवरी स्ट्रोक में ये 6 से यहाँ शुरू हुआ और दोबारा सीलिया को उसी पोजीशन में ले आया कि अब वो इफेक्टिव स्ट्रोक शुरू कर सके। ये इफेक्टिव स्ट्रोक था कि बॉडी को पीछे, वाटर को पीछे की तरफ स्ट्राइक करना, बॉडी को आगे की तरफ प्रोपेल करना। फिर ये आ गया यहाँ पे रिकवरी स्ट्रोक में, वापस से इफेक्टिव स्ट्रोक की पोजीशन में आ गया ताकि नेक्स्ट बॉडी आगे जा सके। अब अगर हम बात करें सीलिया की तो ऑल द बॉडी सीलिया डज नॉट बीट साइमल्टेनियसली एंड नीदर इंडिपेंडेंटली, कोई भी सीलिया, जितनी भी सीलिया है कभी भी इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करेंगे कि एक सीलिया ने वर्क किया, एक रुक गया, फिर दूसरा सीलिया वर्क कर रहा है, ऐसे नहीं है, सीलिया इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करेंगे। बट द बॉडी सीलिया ऑफ ईच ट्रांसफर रो, हर एक ट्रांसवर्स रो की सीलिया बीट साइमल्टेनियसली बीट करेंगे एक के बाद एक, वन आफ्टर अनदर इन ए वेव, एक वेव की तरह कभी भी इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करेंगे सीलिया, एक ट्रांसफर रो के सीलिया साइमल्टेनियसली एक साथ एक के बाद एक बीट करेंगे ताकि प्रोसीड फ्रॉम द एंटीरियर एंड टू द पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी, एंटीरियर एंड से लेके पोस्टीरियर एंड तक बॉडी की, जैसे ये पैरामेशियम की बॉडी थी तो एंटीरियर एंड से लेके पोस्टीरियर एंड तक जितनी भी सीलिया प्रेजेंट है सब साइमल्टेनियसली एक के बाद एक वर्क करेंगे, फिर बॉडी को आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोपेल करेंगे। और इसी मेथड को हम कहते हैं, दिस वे ऑफ बीटिंग इज कॉल्ड एज मेटाक्रोनल रिदम। जैसे कि मान लो ये है तो सीलिया सारी ऐसे,
मेटाक्रोनल रिदम में एक के बाद एक एक डायरेक्शन में सीलिया मूव करेगी, जिससे बॉडी फॉरवर्ड प्रोपेल होगी पैरामेशियम की। मोड ऑफ स्विमिंग की बात करें, पैरामेशियम के मोड ऑफ स्विमिंग की, पैरामेशियम कैसे स्विम करके फॉरवर्ड मूव करता है, तो पैरामेशियम डज नॉट फॉलो ए स्ट्रेट पाथ। पैरामेशियम कभी भी एक स्ट्रेट पाथ फॉलो नहीं करता, स्ट्रेट डायरेक्शन में डायरेक्टली मूव नहीं करता, बल्कि पैरामेशियम रोटेट स्पायरली, पैरामेशियम स्पायरली रोटेट करते हुए आगे फॉरवर्ड मूव करता है। पैरामेशियम डज नॉट फॉलो स्ट्रेट पाथ, कभी भी पैरामेशियम स्ट्रेट पाथ फॉलो नहीं करता, बल्कि स्पायरली रोटेट करता है। अब स्पायरली कैसे रोटेट करता है, हम दो कंडीशन में देखेंगे। सबसे फर्स्टली अगर हम बात करें, सबसे पहले द बॉडी सीलिया डू नॉट बीट और मूव डायरेक्टली बैकवर्ड। डायरेक्टली बैकवर्ड भी मूव नहीं करेगा जो सीलिया है, बट समवट ऑब्लिकली टुवर्ड्स राइट, राइट की तरफ ऑब्लिकली मूव करेगा। सो द एनिमल रोटेट्स ओवर टू द लेफ्ट ऑन इट्स लॉन्ग एक्सिस, एनिमल के लॉन्ग एक्सिस पे, ताकि लेफ्ट की तरफ मूव कर सके, बट समवट ऑब्लिकली टुवर्ड्स राइट। So the animal rotates over to the left on its long axis. Secondly, बात करें, the cilia of overgrowth strike obliquely more vigorously. Overgrowth के जो cilia है वो strike करेंगे more vigorously, तेजी से। क्यों? क्योंकि oral groove के जो cilia थे वो long थे, as compared to जो हम anterior side में हम जो छोटे cilia देख रहे थे सब same size के, उसके compare में overgrowth के cilia कैसे हैं, long है और vigorously तेजी से strike करेंगे, and so as to turn the anterior and continually away from the oral side and move in the circle, circle में move करेंगे फिर, यानी oral groove के cilia long है और more vigorously move करते हैं obliquely और एक long axis को follow करते हैं, और इन्हीं दो combined effect की वजह से the combined effect, the both combined effect causes the movement of animal along a fairly straight path rotating about its axis in a anti-clockwise direction, ऐसे spirally move करके anti-clockwise direction से move करके paramecium mode of swimming complete। हम अगर इस डायग्राम से समझे डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट को, तो जैसे कि ये पैरामेशियम है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहा है और फिर अपने पाथ को फॉलो कर रहा है। लोकोमोशन में हमने सीलियरी बीट्स को डिस्कस किया, अब हम मेटाबोली के बारे में देखेंगे कि मेटाबोली या फिर हम कह सकते हैं बॉडी कॉन्ट्रैक्शन की, कैसे पैरामेशियम अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करके अपना पाथ फॉलो करता है। The body is highly elastic, हमें पता है paramecium की body highly elastic है, elasticity body है, जिसकी वजह से वो अपनी body को contract कर सकता है। By contracting its body, it can squeeze through narrow pathway, अपनी body को contract करके, elastic body होने के कारण अपनी body को contract करके अपनी body को squeeze कर लेता है, और narrow pathway, जो सकड़े pathway होते हैं, एकदम narrow जो pathway होते हैं, उनसे भी वो पार कर सकता है। थ्रू नैरो पाथवे स्क्वीज, थ्रू नैरो पाथवे एंड अगेन रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, और उस पाथवे से निकलने के बाद जो स्क्वीज हुआ था पैरामेशियम, जो दोबारा से अपनी पोजीशन में आ सकता है, रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप ड्यू टू द प्रोटोप्लाज्मिक एक्टिविटी। और ये किस वजह से होता है, प्रोटोप्लाज्मिक एक्टिविटीज की वजह से पैरामेशियम अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करता है, स्क्वीज करता है नैरो पाथवे से जाने के लिए, नैरो पाथवे से गुजरने के लिए, फिर अपनी बॉडी में ओरिजिनल शेप में वापस रिगेन कर जाता है ड्यू टू प्रोटोप्लाज्मिक एक्शन।